अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत भतरौज खान सड़क पर सोनीडांट के निकट एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में सवार मतलूब निवासी दड़ियाल जिला रामपुर की मौत हो गई, जबकि दूसरा सवार तौफिक निवासी नगरिया रामपुर घायल हो गया। सूचना मिलने पर फायर स्टेशन रानीखेत की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायल को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। शव को भी खाई से निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए शव पुलिस को सौंपा गया है। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। पिथौरागढ़ नगर के विजडम तिराहे के पास आज सुबह पिकअप ने एक वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर से एक के बाद एक दो चार पहिया और दो दो पहिया वाहन चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में पैसेंजर चालक सहित तीन लोगों को छोटे भी आई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। आज सुबह नीचे विजडम तिराहे के पास जाम लगा था, तो इस कारण एक पीछे से पिकअप आई, अनियंत्रित तेज गति से उसने एक टाटा 407 को टक्कर मारी। उससे उस टाटा 407 की चपेट में हमारी तीन चार गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इसलिए हम यहां आए हैं। कुछ चोट आई है तीन सवारियों को। उसके बाद सभी लोग वाहनों को लेकर कोतवाली पहुंचे। पुलिस टक्कर मारने वाले चालक को थाने लाई। इस मामले में वाहन चालक शीशपाल, नवीन सिंह, सुंदर सिंह रावल, संजय प्रसाद और राजू ने कोतवाली में चालक के खिलाफ तहरीर दी है। हमारी गाड़ी हल्द्वानी को जा रही थी, पिकअप टाटा 707। वो गाड़ी हल्द्वानी के जाम में फंसी हुई थी, पीछे से एक पिकअप आई स्पीड में, उस गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, जिस कारण हमारी गाड़ी आगे को बढ़ी, और हमारी गाड़ी तो आगे बढ़ी, उस गाड़ी ने आगे दूसरी कार को टक्कर मारी, उस गाड़ी से वो गाड़ी भी आगे बढ़ी। इस प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव ने बताया, मामले की जांच SI जावेद हसन कर रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिकअप चालक फारूक ने बताया कि नींद की झपकी आ जाने और ब्रेक न लगने से वाहन को टक्कर लग गई। चंपावत के थाना टनकपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में आग लगने की सूचना पर अग्निशमन केंद्र के जवान तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बालिका छात्रावास के सोलर पैनल की बैटरियों में लगी आग को बुझाया। अग्निशमन टीम की त्वरित कार्यवाही से छात्रावास में किसी भी प्रकार की होने वाली अप्रिय घटना एवं जान माल की क्षति होने से बच गई। टीम में FSSO अमर सिंह अधिकारी, वीरेंद्र कुमार, कृष्ण सिंह, त्रिभुवन प्रसाद, रविंद्र कुमार आदि शामिल रहे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। कुमाऊं मंडल पर्यटक आवास गृह अब देवी देवताओं के नाम से जाने जाएंगे। पर्यटक आवास गृह के नाम बदलने का कार्य शुरू हो गया है। निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने बताया कि पिथौरागढ़ पर्यटक का आवास गृह को अब माँ उल्का देवी पर्यटक आवास गृह के नाम से जाना जाएगा। DD हाट पर्यटक आवास गृह का नाम स्वामी मलयनाथ के नाम पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 9 पर्यटक आवास गृह है, शेष 7 के नाम चयनित किए जाने की कार्रवाई चल रही है। लोहाघाट PG कॉलेज में भूगोल के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर तौफीक अहमद का श्रीनगर गढ़वाल में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। निधन का समाचार मिलते ही महाविद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। पीजी कॉलेज के स्टाफ, छात्र छात्राओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। डॉक्टर तौफीक अपने व्यवहार के चलते कॉलेज में काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने लंबे समय तक लोहाघाट में अपनी सेवाएं दी। 2 वर्ष पूर्व उनका स्थानांतरण लोहाघाट से उनके गृह क्षेत्र श्रीनगर गढ़वाल के लिए हो गया था। पिथौरागढ़ के चंडाक रोड पर गैस गोदाम के निकट और GGIC के पास सड़क किनारे रखे गए 2 दर्जन से अधिक खराब हो चुके कंटेनर नगर की खूबसूरती पर ग्रहण लगा रहे हैं। खाली कंटेनरों में कूड़ा भरा गया है, जिससे इस क्षेत्र में सुबह शाम घूमने के लिए आने वाले लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। बाहर से आने वाले पर्यटकों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई बार मांग करने के बाद भी कंटेनर नहीं हटाए जा रहे हैं। नगर पालिका के प्रशासक आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि कंटेनरों की नीलामी के टेंडर हो चुके हैं, जल्द ही कंटेनर हटा लिए जाएंगे। मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है।
उच्च शिक्षा में दीर्घकालिक करियर तलाशने हेतु संपर्क करें।